नमस्कार जी। आज राजीव दीक्षित गुरुकुल टीम पहुंची है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के नवग्रह आश्रम में। हमारे साथ हैं वैद्य हंसराज चौधरी जी, जिन्होंने हजारों कैंसर के पेशेंट ठीक किए हैं। आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं किस प्रकार से ये कार्य प्रारंभ हुआ। वैद्य जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार आश्रम कब से प्रारंभ हुआ? जी। ऐसा सर, 2013 की जो केदारनाथ त्रासदी हुई, उसके बाद अगली जो आगामी जो पहली गुरु पूर्णिमा आई थी, 2014 की जो गुरु पूर्णिमा थी, उस पे ये आश्रम हमने प्रारंभ किया था। पहले 9 ही ग्रह, 12 ही राशि, 27 ही नक्षत्रों के पेड़ लगाए, और उसके बाद में जो औषधीय पौधे जो थे उनका रोपण शुरू किया, और वनस्पतिक चिकित्सा से लोगों की चिकित्सा शुरू की। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज एक जनसेवा का इतना बड़ा कार्य आपने प्रारंभ किया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई घटना होती है, कोई ना कोई प्रेरणा सूत्र होता है, तो आपका इस कार्य के पीछे प्रेरणा सूत्र कौन है? देखो, मूल बात तो ये कि मैंने आपको जैसा प्रारंभ में बताया कि केदारनाथ जो जल त्रासदी हुई, उसमें हम 4 मित्र थे और वहां से हम जीवित बच गए। जी 17-18 दिन तक हम भूखे प्यासे रह के, और वहां एक हमें सन्यासी, एक संत मिले थे, उनका नाम मुझे आज भी ज्ञात नहीं है। उन्होंने मुझे ये कहा था कि भैया, अब तक का हिसाब तो बराबर हो गया। तो मैंने कहा साहब, बिल्कुल हो गया। तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड से जो बात हुई उनसे, तो उनका जब आप कृषि से हो, किसान परिवार से हो, तो बस अब आज के बाद में तुम केवल चिकित्सा काम करना है, तुम्हें आयुर्वेदा, योगा एंड पंचकर्मा में बाकायदा तुम पढ़ाई करो। और उसमें फिर उनके कथनानुसार मैंने ये किया, और आज की तारीख में तो नवग्रह आश्रम पे 6 से अधिक डॉक्टर और 88 से अधिक लोगों का स्टाफ, और ये जो इतना बड़ा वटवृक्ष हुआ है। प्रेरणा तो आखिर वो केदारनाथ त्रासदी से बचने का जो परमात्मा के प्रति जो थैंक्स है, यानी कि उस अस्तित्व के प्रति, ये प्रेरणा शब्द भी मुझे बहुत छोटा लगता है। उस अस्तित्व ने, जिसने मुझे बचाया, उसको मैं किस्तों में धन्यवाद कर रहा हूँ, ये समझा। जी मेरा अगला सवाल आपसे है कि अब तक हम कितने रोगियों की चिकित्सा यहाँ से कर चुके हैं? साहब, ये तो ऐसा सवाल है कि पूरे घास के गट्ठर में से आप सुई ढूंढने के लिए मुझे कह रहे हैं। बेसिकली पिछले 5 वर्ष में अगर मैं मोटे मोटे आंकड़ों की बात करूं, तो मैं ठीक हुए पेशेंटों के आंकड़े आपको बता सकता हूं, क्योंकि इनरोलमेंट तो बहुत सारे लोगों का है और बहुत सारे लोग अभी चिकित्सारत भी है जो ठीक हुए हैं। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि दमा और श्वास जैसा जो रोग है, करीब 1,25,000 लोग अब तक ठीक हो गए। जो किडनी के जो पेशेंट है, करीब 70-80 हजार पेशेंट अब तक ठीक हो चुके हैं। कैंसर का जो है, तो ठीक होने वाली मैं अगर ऑन रिकॉर्ड अगर बात करूं, तो कम से कम 40-50 हजार रोगी अब तक कैंसर से ठीक हो चुके हैं। और अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करूं, तो 1 लाख से ऊपर इनका आंकड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, उसके बाद में धन्यवाद देने भी नहीं आते। अब ठीक है, वो क्यों नहीं आते, उनकी वो जाने, बाकी बहुत अधिक लाभ है। और कार्सल जो दूसरी, जो जैसे लकवा है, मिर्गी है, पागलपन है, स्टीरिया है, जिनकी हम बिल्कुल निःशुल्क औषधियां देते हैं आश्रम से, उनके ठीक होने वाले उन लोगों की संख्या भी करीब करीब मतलब लाखों में है। इसलिए रिजल्ट तो भगवान धन्वंतरि की कृपा से बहुत अच्छा है। जी एक बात ये मैं जानना चाहूंगा, विशेष रूप से आज कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या इस राष्ट्र के सामने है, तो कैंसर के विषय में हमने किस स्टेज तक के पेशेंटों को ठीक किया है? देखिए साहब, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ इस पूरी दुनिया को, कि कैंसर में एलोपैथी जो स्टेज की बात करती है, जी वो बेसिकली लोगों के साथ डराने का एक बहुत बड़ा धोखा है। धोखा, सच्ची बात तो ये है कि शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, जो एलोपैथी में भी है, होम्योपैथिक में भी है, और आयुर्वेदा में भी है, और नेचुरोपैथी में भी है। तो पहले कैंसर उत्पन्न होता है खून में। चलो आपको स्टेज का शौक है, तो मैं कहता हूं खून में अगर कैंसर है तो पहली स्टेज है जी। फिर वो जाता है मांस में जी। तो ये दूसरी स्टेज, मांस का मतलब हो गया किडनी में, लीवर में, ब्रेन में, लंग्स में, जहां मांसल आपके भाग है जी। तीसरा जो है वो, अगर आपके स्टेज की बात करें, तो अंत में जाता है वो बोन मैरो में जी, अस्थि मज्जा में, हड्डी में, तो हड्डी वाली तीसरी स्टेज हो गई। अब एलोपैथी में तो, हालांकि मैं बिना आलोचना किए कह रहा हूं, अब तो व्यापार ये डराने का इतना बड़ा हो गया कि अभी हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स 5वीं स्टेज के आने लग गए, जबकि वो है ही नहीं। वो डॉक्टरों से हम जब बात करते तो कहते साहब, ये थोड़ी इसके लिए पेशेंट को ज्यादा सावधान करने के लिए, सावधान नहीं कर रहे, वो डरा रहे हैं, डरा रहे हैं, डरा के व्यापार बढ़ा जी रहे। जी मेरा एक सवाल है, बेसिकली जिस प्रकार से एलोपैथी चिकित्सा में टेस्ट के माध्यम से पता लगाया जाता है कि कैंसर है या नहीं है,
बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि गांठे आइडेंटिफाई होती है, उसके बाद वो उसकी सर्जरी के लिए बोलते हैं कि इस गांठ को काट के हम टेस्ट के लिए लेके जाएंगे, मुझे एलोपैथी की भाषा नहीं हाँ, पता, जिसे बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी कहते हैं। जी तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं इस विषय पे, उनका मानना है कि बायोप्सी नहीं करवानी चाहिए, तो इस विषय में कुछ आप कहना चाहेंगे? देखो साहब, इस विषय में मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, मैं एलोपैथी का दुश्मन नहीं। जी बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूं, जी साइंस एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं, जी आयुर्वेद में भी मैं आज की तारीख में जो ऋषि महर्षि परंपरा है जी उसका निर्वहन करता हूं। जी तो एलोपैथी में जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो जी जांचों का विभाग है, जी उसमें मैं महंगी जांचों के समर्थन में नहीं हूं, जी परंतु जो मार्कर टेस्ट होते हैं जी या जो सामान्य जैसे एक्सरे होता है जी या जी और सामान्य जो जांचें होती है, उन जांचों से बहुत जल्दी पता चल जाता है कैंसर का, जी तो उसके मैं पक्ष में हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु आयुर्वेद उससे भी ज्यादा समृद्ध है। जी आयुर्वेद में अर्बुद कर्करा की पहचान के लिए 5 लक्षण बताए गए हैं। जी सर्वप्रथम जो लक्षण होता है, उस रोगी की आभा नष्ट हो जाती है, यानी कि उसकी जो ग्लो है, उसके चेहरे पर जो चमक है, वो समाप्त हो जाती है, पहला लक्षण। दूसरा, उस भाग विशेष में स्पार्किंग होती है, करंट आता है, यानी कि जलन होती है, क्योंकि ये अग्नि तत्व की न्यूनता और अधिकता से होने वाला जी रोग है। जी तीसरा, उस रोगी का वजन धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जी उसका स्वर भंजन हो जाता है, उसका जो स्वर है, आवाज है, वो बदलने लग जाती है, जी और उसको नींद नहीं आती, जो निद्रा जो है उसकी, जो नींद आने का, वो नींद उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है, और अंततोगत्वा उसकी भूख कम होने लग जाती है। और जस्ट इसका उल्टा, जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है, अगर ये 5-6 लक्षण बदलने लग जाए जी तो इसको मैं जांचे बोलता हूं, ये जांचे हो रही है आपकी। और मेरा एक थ्योरी है, ये मेरा खुद का दिया हुआ एक सिद्धांत है, कि इलाज में जांचे हैं, जी जांचों में इलाज नहीं है। जी आप मेमोग्राफी करवा लें, सीटी स्कैन करवा लें, कितना भी जांचा करवा लें, तो जांच हो रही है, इलाज थोड़ी हो रहा है। परंतु आयुर्वेद कितना बड़ा आनंद है, श्रीनगर आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें हम लोगों को यही सिखाते हैं कि आप औषधि लेते जाएं, जी विश्वास करें पूरा, और धीरे धीरे जब आपको ये सिम्टम आपके जैसे रंग सुधरने लग जाए, अभी जैसे आप कमिश्नर साहब का जो मैंने आपको उदाहरण देखा है, हाँ, आपके चेहरे पर चमक आ गई, जी आपका महीने में 5 किलो वजन आपने बढ़ा लिया, जी नींद आपको अच्छी आने लग गई, आपको स्वप्न आने लग गए, जी जैसा कि आपने कहा मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक काम करने लग गई, तो ये सब चीजें अपने आप जांचों को प्रूव करती है। एक विशेष रूप से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग अलग जो चिकित्सक हैं उनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है राजीव दीक्षित जी की टीम को, कि एंजियोग्राफी करवाने से जब आप गांठ का कोई हिस्सा लेते हैं तो उससे कैंसर तेजी से बढ़ता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी को गांठ है तो सीधा नवग्रह आश्रम? वैसे बायोप्सी लेने से, बिल्कुल सही बात है, बायोप्सी भी एक तरह का छोटा छोटी सर्जरी है, छोटी एक माइनर ऑपरेशन है। जी तो वास्तव में बायोप्सी नहीं लेनी चाहिए, मैं भी इस चीज का समर्थक हूँ। जी मैंने ये जो 5-6 लक्षण बताए वो कैंसर के बेसिक लक्षण है, पहली बात। दूसरी बात, मार्कर टेस्ट एक बहुत अच्छी, इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे किसी मेरी किसी बहन को स्तन में कैंसर है, जी तो उसकी बायोप्सी लेने की जरूरत नहीं है, जी उसको अगर महसूस होता है कोई गांठ है, जलन हो रही है, इस तरीके की बातें हो रही, तो खून का जो नमूना लिया जाता है, उस खून के नमूने में जी जो CA15.3 एक जांच का नाम है, मार्कर टेस्ट है, जी जी तो वो अगर करवा लेता है तो उसकी बॉडी में कितने परसेंट कैंसर सेल्स से है जो स्तन कैंसर की है, जी वो आ जाती है जांच में, CA90.9 है। जैसे आपका मान लो लीवर का कैंसर है, जी तो उसमें जो LFT होती है आपकी, वो उसमें आ जाता है। जी हमने एक पूरा एक चार्ट मतलब लगा रखा है, बड़े बड़े फ्लेक्स लगा रखे हैं हमने, उनमें बाकायदा एलोपैथी की जांच है और ये मार्कर टेस्ट, ये भी एलोपैथी के, परंतु हमने एक कंपैरिजन बता रखा है, और कौन से अंग में कौन सा कैंसर होता है उसको क्या कहते हैं और उसकी जांच कौन से मार्कर टेस्ट से होती है, ये हमने बाकायदा यहाँ खुला कर रखा है। जी अमूनन एक आंकड़ा आया था अभी, हमने इंटरनेट के माध्यम से जाना कि पेट में जो गांठे होती है वो बहुत तेजी से भारत में बढ़ता जा रहा है वो प्रचलन, तो उस विषय में अगर किसी मरीज को पेट की गांठे हैं, विशेष रूप से मैंने भी एक दो मरीजों को आइडेंटिफाई किया, तो उन विषय में और ये जो आपने लक्षण बताए,
अगर ये पांचों लक्षण भी है और पेट की गांठें भी है, तो क्या मरीज को वो जो आपने अभी टेस्ट बताया उसके लिए आप रिकमेंड करेंगे या वो सीधा नवग्रह आश्रम? अरे साहब, वो तो सीधा नवग्रह आश्रम आ जाए जी। मैं आपको सच्चे बताऊं कि एक महीने में हम इस पूरी दुनिया का, क्योंकि श्री नवग्रह आश्रम में केवल भारत का ही पेशेंट नहीं, मैंने देखा है काफी बाहर से लोग, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तो बहुत सामान्य बात है, परंतु यहाँ जैसे आज ही यहाँ अमेरिका के पेशेंट है, यूएसए के पेशेंट आए हैं, जैसे यहाँ जर्मनी के पेशेंट आज मैंने देखा, डॉक्टर भी आए हुए हैं अमेरिका से, तो काफी लोग, तो इन सभी लोगों का हम करोड़ों रुपया जांचों का बचा रहे जी। मतलब पेशेंट को जांच में, अच्छा एक आपको सुन के आश्चर्य होगा कि एलोपैथी की अच्छी खासी जांच के कीमत में, केवल जांच की कीमत में जी, के कीमत से आधे पैसे में तो नवग्रह आश्रम में उसका इलाज हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि रोगी के आने जाने का जितना किराया है, इतने न्यूनतम मूल्य पर तो उसकी चिकित्सा हो जाती है और वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए वो ऐसे रोगियों को तो आ जाना चाहिए।